हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें। बहुत बेहतरीन और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कराया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज जो करने वाले हैं वो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, जो 30 क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल साइंस का 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का तीनों का मिला के क्वेश्चन होगा डिटेल के साथ। आज जो करने वाले हैं वो डे वन है, जिसमें 30 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, और कार्य को डब्लू से सूचित करते हैं, बल को एफ से और विस्थापन को एस से। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, और जो विस्थापन का मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, और न्यूटन जो है बल का मात्रक है, वाट जो है शक्ति का, और डाइन जो है ये भी बल का मात्रक है। एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो बताना है आपको प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है, आपको बताना है एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, चुंबकीय क्षेत्र का या विद्युत धारा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, और विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश बटे समय, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो ये आपको बताना है कौन समय का मात्रक नहीं है। तो जैसा कि अभी देखें कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है, ये समय का मापक नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारसेक इकाई है, आपको बताना है पारसेक जो है किसका यूनिट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की, समय की, या प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की? तो पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है, और याद रखिएगा एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और जो है इसी को अगर आप मीटर में लिखेगा तो 3.08 × 10^16 मीटर होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, पारसेक जो है दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा जो है सही संबंध नहीं रखता है। जैसे ध्वनि डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, आश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्र मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा की इकाई जो होती है वो जूल होती है। ऊष्मा या कार्य या ऊर्जा की इकाई जो है जूल होती है। याद रखिएगा, ऊष्मा, कार्य या ऊर्जा, इन सब का इकाई जो होता है वो जूल होता है। यहाँ सेल्सियस गलत है, बाद बाकी सभी सही है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ल्यूमेन किसका मात्रक है आपको बताना है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का इकाई है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। और एक होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो ये होगा यूनिट होगा वो कैंडिला होता है। ये दो क्वेश्चन होते हैं इसमें, याद रखिएगा। ज्योति फ्लक्स का जो SI यूनिट पूछेगा तो वो ल्यूमेन होता है, ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो कैंडला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पास्कल इकाई है, तो आपको बताना है पास्कल किसका इकाई है। तो याद रखिएगा, पास्कल जो है आर्द्रता की इकाई है, दाब की इकाई है, वर्षा की इकाई है, तापमान की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर फोर्स बटे एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। और बल्ब को हम लोग न्यूटन से सूचित करते हैं, बल का SI मात्रक, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो यही न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल जो है दाब का यूनिट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कैंडिला मात्रक है। तो जैसे अभी बताया, कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक बताना है आपको। तो सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता को समझ लेते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता समझने पहले प्रत्यास्थता समझते हैं। प्रत्यास्थता उसे बोलते हैं, पदार्थ का वह गुण को कहते हैं जिससे बाह्य बल लगने के कारण उसमें विकृति आती है, विकृति या उसके आकार में परिवर्तन होती है, और फिर बाह्य बल हटा लेने पर वह अपने मूल स्थिति में वापस आ जाता है, इसे ही प्रत्यास्थता बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई अगर कोई पदार्थ का आकार में अगर आप बल लगाकर आकार परिवर्तन कर देते हैं और बल हटा लेने के बाद पुनः वह अपनी स्थिति में आ जाता है, तो उसे ही प्रत्यास्थता बोलते हैं। और प्रत्यास्थता गुणांक जो आप बल लगाए प्रतिबल, जो आप बल लगाए वस्तु पे प्रतिबल बटे उसका विकृति, विकृति। इसका मतलब हुआ कि जो बल लगाए और जो बल लगाए और जो उसमें परिवर्तन हुआ उसके आकार में, इसी का अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। और प्रत्यास्थता गुणांक का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। आपको बताना है कि किन भौतिक राशि का समान सूत्र नहीं है, बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, भार एवं बल का, आवेग एवं संवेग का। तो इसको जानने के लिए पहले सबका यूनिट आपको पता होना चाहिए। कार्य एवं ऊर्जा का एक ही यूनिट होता है, इसीलिए इसका समान विमीय सूत्र होगा। भार एवं बल का, भार बराबर भी, भार का भी SI यूनिट न्यूटन होता है और बल का भी, दोनों का न्यूटन एक ही यूनिट होता है, इसीलिए ये समान विमीय होगा। यहाँ पूछा है समान विमीय नहीं है। आते हैं आवेग एवं संवेग, आवेग और संवेग दोनों ही जो है समान यूनिट होता है। आवेग का भी न्यूटन सेकंड और संवेग का भी न्यूटन सेकंड होता है, तो ये तीनों जो है समान राशि है, लेकिन समान विमीय सूत्र इस तीनों का होगा, लेकिन बल एवं दाब का नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। बल का यूनिट न्यूटन होता है जबकि दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए समान विमीय सूत्र नहीं होगा, ये क्वेश्चन आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, अदिश राशि जो है ऊर्जा अदिश राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है। तो द्रव्यमान, समय, लंबाई या वेग। तो सदिश राशि पूछा है तो वेग जो है वो सदिश राशि है, तो 13 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आपको संवेग और वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, संवेग और वेग का अनुपात जो है कौन सी भौतिक राशि। तो संवेग बटे वेग लिख दिए, और संवेग को हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान
गुना वेग, सॉरी द्रव्यमान गुना वेग, और नीचे जो आएगा वो वेग ही आएगा, तो वेग वेग कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान बोलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति त्वरित होती, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है उसका। और त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। जब कोई वस्तु को आप स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराइएगा तो धीरे धीरे उसका वेग जो है बढ़ते जाएगा, और धरती से सटने वाला रहेगा तब उसका वेग मैक्सिमम होगा, तो हर क्षण जो है उसका वेग में परिवर्तन होता है, इसी को बोलते हैं त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो गिरने वाली वस्तुओं का जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा, तो आपको त्वरण होगा तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन, यानी बल बराबर मास द्रव्यमान इंटू एक्सलेशन, त्वरण द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहाँ पे जो आप मान रखिएगा मास इंटू द्रव्यमान, बल बराबर मास इंटू द्रव्यमान, तो जब यहाँ पे आप मान रखिएगा F बराबर M इंटू A, तो F जो है 5 N है, 5 N बल लगाया जाता है, 2 kg द्रव्यमान है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबर ये इधर आएगा भाग होगा A बराबर 2.5, और त्वरण का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 m/s². तो जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कर उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषय एक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषय एक तृतीय नियम है, या गैलीलियो का विषय का नियम है, आपको बताना है। तो जो है किसी गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना काम कार्य करे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये न्यूटन का प्रथम नियम से जो है संबंधित है। अगर कोई वस्तु विराम में वस्तु रहना चाहता है तो विराम ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे, या विराम अवस्था में या फिर गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यह न्यूटन का प्रथम नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और संवेग संरक्षण क्या होता है, यदि कोई सिस्टम कोई निकाय में कोई बाह्य बल ना कार्य करे तो इस पे जो इस निकाय में कुल संवेग जो होता है वो नियत रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है। और संवेग को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे खाली एक दूसरे के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, तो रॉकेट सिद्धांत जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम, या विश्राम जड़त्व। यदि घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो घोड़े पर बैठा व्यक्ति है उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो विश्राम जड़त्व। वो विश्राम में था और अचानक चलने लगा तो जो है वो विश्राम में ही रहना चाहता है, इसीलिए जो है आदमी गिरने की आशंका, ये विश्राम जड़त्व होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसके द्वारा समझाया जा सकता है, ये सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये न्यूटन का पहला नियम। वही बात हो गया, जब बस में बस चल रही है तो जो है बस वस्तु का भी मोशन होता है, तो बस जो है अचानक ब्रेक लगाता है तो वो गति में ही रहना चाहता है, इसीलिए जो है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बल का गुणनफल है। तो आपको पता होना चाहिए बल बराबर होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जो है बल किसका गुणनफल हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो याद रखिएगा शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर कितना भार होगा? तो हम जानते हैं आदमी किसी जो भार होता है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी के भार के 1/6 होता है। तो जब पृथ्वी पे उसका 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना भार हो जाएगा? चंद्रमा पर 600/1/6 जो कि 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 100 न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को जी से। तो भार जो है 29.4 न्यूटन है और जो है द्रव्यमान निकालना है, और गुरुत्वीय त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब इसको कटाइएगा तो ये लगभग 3 kg आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर किसी का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान जो है 3 kg हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 kg राशि का वजन कितना होता है? तो वजन बराबर होता है भार बराबर मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, यानी द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर 1 kg मास रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है लगभग, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9.8, और भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा बताइए? कोणीय संवेग, टॉर्क या बल या कार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्क होगा। जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होगा वो टॉर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल के आयतन पर क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो याद रखिए जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो जब पानी का टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 9 डिग्री से जिस जैसे जैसे कम होगा उसका आयतन घटेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका सबसे न्यूनतम आयतन होगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होगा, और जैसे ही 4 डिग्री से फिर घटेगा तापमान, उसका आयतन जो है बढ़ेगा। तो आयतन पहले घटते घटते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होगा, पहले आयतन घटेगा और फिर 4 डिग्री से जैसे ही 3 डिग्री के पास जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, उस पर पूर्णतः पिघल जाएगी, तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ऐसा इसीलिए होता है कि पानी बर्फ जो तैरता है गिलास के अंदर, इसका कुछ भाग जो है बर्फ का ये पानी है, तो इसका 1/10 भाग जो है पानी से ऊपर रहता है, और ये जो है पिघलने के बाद जो है इसी जो ऊपर रहता है इसी को मेकअप करता है, इसीलिए जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी बोतल में
पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने के कारण जो है फैलता है, पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण वो फैलता है और बोतल टूट जाता है, इसी प्रकार पाइप भी टूट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक तो एकदम कीजिए। और कोई सुझाव देना चाहते हैं और कुछ अगर वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आती है या कुछ आपको सुझाव देना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट करना ना भूले। और कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा या फिर जो है कैसा लगा, किस प्रकार आप लोग का ओपिनियन दीजिए कमेंट में ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, कल के लिए आज के लिए बस इतना ही।